दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्या आपके पास WhatsApp है और WhatsApp पर आपको कोई भी फोटो या वीडियो सेंड करता है। फोटो वीडियो सेंड करने के बाद वह आपका फोटो और वीडियो आपके गैलरी में सेव नहीं होता है। जैसा आपको दिखाते हैं एग्जांपल, हमारे पास यहां पर एक अकाउंट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास एक अकाउंट है, इसको हम ओपन करेंगे तो यहां पर देखेंगे इस अकाउंट में हमें एक ये फोटो रिसीव हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये फोटो है और इस फोटो को मैंने डाउनलोड भी किया है और देखते हैं अपने गैलरी में। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए तो ये हमारे गैलरी में भी आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे, अपने गैलरी से इस फोटो को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहां से बैक आएंगे और अपने WhatsApp पर आ जाएंगे। WhatsApp पर आने के बाद फिर से इसे ओपन करेंगे तो हमारा ये फोटो तो डाउनलोड हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अब आपको करना क्या है कि अगर आपका फोटो आपके गैलरी में नहीं जाता है तो यहां पर आपको सिर्फ दो सेटिंग करना होगा अपने WhatsApp में और उसके बाद जो भी आपके WhatsApp पर फोटो आएगा वो आपके गैलरी में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे आपके गैलरी में जाएगा, तो सबसे पहला सेटिंग कौन सा है, तो सबसे पहला सेटिंग है कि आपको अपने मोबाइल में WhatsApp ओपन करके थ्री डॉट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगा, एक सेटिंग मिलता है आपको चैट का। अब आपको चैट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया इन योर डिवाइस गैलरी। इसमें बताया जाता है कि जो आप WhatsApp पर मीडिया डाउनलोड करेंगे वह आपके गैलरी में जाए या ना जाए। तो अगर आप इसे बंद कर देंगे तो आपके वह गैलरी में नहीं जाएगा, तो ये आपका सेटिंग ये बंद होगा, तो इसे आप चालू कर दीजिए। अब आपका जो भी फोटो आप WhatsApp पर डाउनलोड करेंगे, वीडियो होगा, वो आपके गैलरी में चला जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि आपका उस अकाउंट का फोटो सिर्फ नहीं जाता है और सारे अकाउंट का जाता है। जैसे मान लीजिए आपको आपके इस फ्रेंड्स ने यानी कि इस दोस्त ने आपको फोटो भेजा और इसने भेजा यानी कि आपके इस फ्रेंड्स ने भेजा, तो इसका फोटो आपके गैलरी में चला गया है लेकिन इसका फोटो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप सिर्फ एक सेटिंग देखेंगे, चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको इसके आई बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मिलेगा आई बटन, अब आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर भी आपको वही सेटिंग मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी, अब आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपने एस डिफॉल्ट को सेलेक्ट नहीं किया है, आपके नो में सेलेक्ट है, तो आपको करना क्या है, एस डिफॉल्ट पर क्लिक करके ओके करना होगा। बस इतना काम कर लीजिए। अब दोस्तों क्या होगा कि अब आप अपने WhatsApp पर किसी के साथ भी अगर आप चैटिंग करेंगे, चैटिंग करने के बाद अगर आपका फ्रेंड्स आपको फोटो वीडियो कुछ भी सेंड करेगा तो वह आपके गैलरी में डायरेक्ट सीधा सेव हो जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी, कोई भी आपको यहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका फोटो वीडियो सब गैलरी में आपको दिखाई देगा। लेकिन बाय चांस अगर आपको फिर से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तब आप क्या करेंगे, तो आपको एक सेटिंग और बताते हैं, ये आखिरी सेटिंग है। जब आपका ये काम ना करे तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, चैट पर क्लिक करना है, चैट बैकअप पर क्लिक करना है। यहां से अपने चैट का आप बैकअप लेंगे, यहां पर अपना ईमेल आईडी ऐड कर देंगे, यहां से आप बैकअप ले लेंगे। बैकअप लेने के बाद फिर अपने WhatsApp को आप पूरी तरीके से डिलीट कर देंगे यानी कि अनइंस्टॉल कर देंगे। अब आपका चैट डिलीट नहीं होगा क्योंकि आपने बैकअप ले लिया है, तो हमारा जो बैकअप हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो आपको अपने चैट का बैकअप ले लेना है। बैकअप लेने के बाद फिर आपको अपने WhatsApp को पूरी तरीके से अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से अपने WhatsApp को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे और आपको यही अपना चैट बैकअप जो मिलेगा इसे आपको फिर से रिस्टोर कर लेना है, तो आपका चैट भी पुराना वाला आ जाएगा और आपका WhatsApp अच्छे से काम भी करना स्टार्ट कर देगा। नहीं पता है अगर आपको कि चैट को रिस्टोर कैसे करते हैं तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।